हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शेयर कैन फाउंडेशन का महिला सशक्तिकरण व स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु साझा प्रयास, हुनरमंद महिलाएं ही परिवार की प्रगति का आधार। कूचर 45 दिवसीय महिला सिलाई कटाई प्रशिक्षण का समापन बाड़मेर 22 सितंबर 2021। कड़ी मेहनत, पक्का इरादा एवं लगन से ही जागरूकता, कला कौशल एवं ज्ञान अर्जित कर हुनरमंद महिलाएं ही परिवार, समाज और देश की प्रगति का आधार है। उक्त बात सोसाइटी टू अपडेट रूरल इकोनॉमी बाड़मेर द्वारा केयर वेदांता फाउंडेशन के सौजन्य से संचालित डेयरी विकास एवं पशुपालन परियोजना के तहत शैली ग्राम पंचायत एसडी की ठाणी में 45 दिवसीय निःशुल्क महिला सिलाई कटाई प्रशिक्षण समापन समारोह में बोलते हुए मुख्य अतिथि एवं पाइपलाइन ऑपरेशन के सुपरिटेंडेंट मनोज कूचर ने कही। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण सीखी हुई महिलाएं सतत अभ्यास कर अपने कार्य में गुणवत्ता लाएं। कूचर ने सभी से सिलाई कढ़ाई व्यवसाय बृहद स्तर पर शुरू कर बाजार से जुड़ने का आह्वान किया। उक्त अवसर पर बोलते हुए मैकेनिकल इंजीनियर अभय मिश्रा ने कहा कि महिलाओं के विकास से ही देश का विकास संभव है। उन्होंने कहा कि सिलाई कटाई सीखी महिलाएं सतत सिलाई व्यवसाय कर परिवार के आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव लावे। केयर्न वेदांता CSR के मैनेजर प्रहलाद सिंह भाटी ने कहा कि सिलाई व्यवसाय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी परिवार की आजीविका का आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के दौर में शेयर का सराहनीय प्रयास है। CSR मैनेजर राहुल शर्मा ने कहा कि डेयरी विकास एवं पशुपालन परियोजना के तहत शेयर महिलाओं को हुनर सिखाने के साथ दुग्ध उत्पादकों के जागरूकता, सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए प्रयासरत है। इस हेतु शेयर धन्यवाद की पात्र है। उन्होंने कहा कि महिलाएं अबला नहीं सबला है, जागरूक, सशक्त एवं कौशल युक्त होकर परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। कार्यक्रम प्रबंधक हनुमान राम चौधरी ने उपस्थित अतिथियों, संभागियों एवं ग्रामीणों का स्वागत करते हुए 45 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं प्रशिक्षण विधा पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि ग्रामीण महिलाएं सिलाई कटाई का कार्य सीखी हैं। चौधरी ने उपस्थित महिलाओं से आह्वान किया कि महिलाएं स्वयं सहायता समूह को सशक्त कर एवं वृद्ध स्तर पर केयर, कुमटिया, सांगरी, गवार, फली, काचर इत्यादि का समूह के माध्यम से संकलन एवं विक्रिया करके सहकारिता की भावना से एकजुट होकर निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने एवं अपना स्वरागण विकास करने पर जोर दिया। चौधरी ने प्रशिक्षण दक्षता से तैयार उत्पाद की मार्केटिंग, लिंकेजेज, ऑर्डर व बैंकों से ऋण की उपलब्धता के साथ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, नशा व नशा के दुष्परिणाम, स्वच्छता, COVID-19 से बचाव इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान कर परियोजना व समूह से जुड़कर फायदा उठाने हेतु प्रोत्साहित किया। सिलाई प्रशिक्षण श्रीमती सीता देवी चौधरी ने 45 दिवसीय सिलाई कटाई प्रशिक्षण का प्रतिवेदन की प्रस्तुति दी। उक्त अवसर पर बोलते हुए सहायक परियोजना समन्वयक माला राम गोदारा ने कहा कि महिलाएं सिलाई कार्य में गुणवत्ता लाकर अपनी प्रामाणिकता बढ़ाकर कम समय में अधिक आय प्राप्त कर सकती हैं। गोदारा ने उपस्थित महिलाओं को सिलाई कटाई कार्य निरंतर कर आय के अवसर बढ़ाने का आह्वान किया। 45 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र एवं प्रशिक्षण में तैयार सिले हुए कपड़ों को प्रोत्साहन स्वरूप आमंत्रित अतिथियों द्वारा वितरित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक केसाराम चौधरी, अन्ना राम चौधरी, कुमारी रमीला चौधरी, कुमारी लक्ष्मी, श्रीमती ओखी देवी, ओकाराम चौधरी, श्रीमती मंजू देवी, श्रीमती राधा देवी, श्रीमती बादली देवी, श्रीमती तीजा देवी, कविता चौधरी, वरजांगा राम चौधरी, पुन्मा राम एवं सोना राम चौधरी ने प्रशिक्षण के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। समिति सचिव तेजा राम चौधरी एवं प्रशिक्षिका श्रीमती सीता देवी ने उपस्थित अतिथियों, प्रशिक्षणार्थियों एवं उपस्थित ग्रामीणों शयोर केयर्न वेदांता फाउंडेशन का प्रशिक्षण के सफल प्रबंध में सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रशिक्षण की कुल 18 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। समापन कार्यक्रम में 40 महिलाओं सहित कुल 57 संभागियों ने भाग लिया।
प्रशिक्षण में आमंत्रित अतिथियों एवं प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली प्रतिभाओं का माल्यार्पण कर उनका बहुमान किया। प्रशिक्षण में आमंत्रित अतिथियों द्वारा प्रशिक्षण से तैयार पोशाकों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की हौसला अफजाई की गई। आमंत्रित अतिथियों एवं कार्यक्रम प्रबंधक ने परियोजना के तहत संचालित दुग्ध संकलन केंद्रीय शैली के विजिट कर समिति द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में उपस्थित समिति पदाधिकारियों एवं दुग्ध उत्पादकों से रूबरू होकर जानकारी प्राप्त की। जागरूक टीवी की बाड़मेर से टाकर राम इकबाल की रिपोर्ट।